हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे IBPS PO 2018 के लिए न्यू पैटर्न के कुछ क्वेश्चन, और ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन हैं। निश्चित रूप से आपसे 10 क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट के पूछे जाएंगे। यदि 30 क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट के, 10 क्वेश्चन का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जा सकता है, और 10 आपसे स्पॉटिंग एरर पूछी जा सकती हैं। यदि स्पॉटिंग एरर नहीं पूछी जाती तो 10 स्पॉटिंग एरर के जगह एक आपका 5 नंबर का क्लोज टेस्ट और एक 5 नंबर का आपका पैराजंबल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि प्री में क्या क्या आ सकता है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि 10 नंबर का फ्रेज रिप्लेसमेंट आ सकता है, 10 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, और 10 नंबर का या तो स्पॉटिंग एरर आएगा या स्पॉटिंग एरर नहीं आएगा, तो उसकी जगह एक क्लोज टेस्ट या एक पैराजंबल या फिर कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन जैसे कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस एग्जामिनर आपको दे सकता है। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनके आने की काफ़ी संभावना है, तो इसलिए फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर किए हैं। और सभी स्टूडेंट्स हैं जो IBPS PO 2018 के लिए टारगेट कर रहे हैं, प्री के लिए टारगेट कर रहे हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी एक टेस्ट सीरीज लें आप, और उसका एक फुल लेंथ टेस्ट इस समय आप ज़रूर दें, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक है और इस समय टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और टेस्ट सीरीज़ में यदि कम नंबर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप एनालाइज़ करिए कि कहाँ पर आपके नंबर कट रहे हैं और किस तरीके से आप अपनी स्कोरिंग को बढ़ा सकते हैं। यदि मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में मिनिमम आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 30 में से 20 नंबर का आपका टारगेट होना चाहिए। एग्ज़ाम में आपको जो टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो 40 सेकंड का टाइम मिलेगा, और 40 सेकंड का टाइम कोई कम नहीं होता है। लेकिन आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 10 सेकंड का होना चाहिए कि मुझे 10 सेकंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, यदि 40 सेकंड का आप टारगेट रखेंगे तो 8 या 10 क्वेश्चन ही आप कर पाएंगे, लेकिन आपका टारगेट जो होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो 6 से लेकर 10 सेकंड के बीच में, मैक्सिमम 10 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए देखिए ये सेंटेंस देखिए, ये पूरा सेंटेंस देखिए कितना लेंथी सेंटेंस है। यदि आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे और पूरे सेंटेंस में सारे वर्ड्स के मीनिंग निकालेंगे तो इस सेंटेंस को एक मिनट में भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मेन चीज़ें पढ़नी है और इस पार्ट को केवल आपको रिप्लेस करना है। अब देखिए, विदाउट रीडिंग दीज थिंग्स, देखिए एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, मैं इसको कुछ नहीं पढ़ूंगा और केवल यहाँ से पढ़ूंगा और इसका सही सेंस निकाल दूंगा मैं, और इसको मैं 4 या 5 सेकंड में देखिए आपको करके बताता हूँ कि मैनी थिंग्स इट डज स्पीक। अब देखिए, एक ग्रामर का एक छोटा सा रूल है कि डज का प्रयोग, इट डज, डज का प्रयोग हम केवल क्वेश्चंस में करते हैं, डज का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं करते। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे मैनी थिंग्स इट, अब यहां पर चूंकि थिंग्स लगा है तो थिंग्स के बाद हम स्पीक बोलेंगे या स्पीक्स बोलेंगे। ठीक है, मैनी थिंग्स, यहां पर जो स्पीक है एक्चुअली ये इट के साथ जुड़ा हुआ है, इट सब्जेक्ट है तो इट सिंगुलर है, तो स्पीक ना बोलते हुए हम स्पीक्स बोलेंगे मैनी, तो इसका जो रिप्लेसमेंट होगा वो होगा मैनी थिंग्स इट स्पीक्स। अब देखिए इसमें ये दिया है मैनी थिंग्स इट स्पीक्स अबाउट, मैनी थिंग्स स्पीक अबाउट भी है, हाँ मैनी थिंग्स स्पीक्स अबाउट, तो इसका सेकंड सही आंसर होगा, बाकी ये गलत है। मैनी थिंग इट इज स्पीकिंग अबाउट, मैनी थिंग इट इज स्पीकिंग अबाउट तो कंटिन्यूस टेंस हो गया, लेकिन यहां पर हम संगम पोएट्री की बात कर रहे हैं, यानी आप बोल सकते हैं कि आप फैक्ट बता रहे हैं यहां पर, या यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हैं, संगम पोएट्री के कुछ एट्रीब्यूट्स आप बता रहे हैं जो कि हमेशा सही होंगे, यहां पर किसी कंटिन्यूस एक्शन की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए इट इज नहीं आएगा, और मैनी थिंग इट वॉज स्पीकिंग अबाउट पास्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको सेंस क्रिएट करना है, एग्जामिनर आपका ये देखता है कि आपको इंग्लिश का सेंस है या नहीं। वो एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि इस पूरे सेंटेंस को पढ़ें, इसका मतलब निकालें, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है सेंटेंस, किसने बोला है, कहाँ पर लिखा गया है, इन सब चीज़ों से एग्जामिनर को मतलब नहीं है। एग्जामिनर केवल जानना चाहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को समझने का आप में सेंस है या नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि मैनी थिंग्स यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर इट सिंगुलर है, इसलिए स्पीक ना लिखते हुए हम स्पीक्स लिखेंगे, और इसमें डज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम डज का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर देखिए अबाउट के बाद या इस सेंटेंस में कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है,
इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट है ये अफर्मेटिव में आपको बोलना है, और अफर्मेटिव में आप डज नहीं बोलेंगे, यहाँ से आप डज को हटा देंगे, और जब डज को हटा देंगे तो ये जो स्पीक है ये इट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। स्पीक एक वर्ब है और इट एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इट कैसा सब्जेक्ट है, इट है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए स्पीक ना होते हुए ये स्पीक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मैनी थिंग्स इट स्पीक्स अबाउट, ठीक है। यानी केवल इसमें सेकेंड पार्ट आपका सही है, सेकेंड पार्ट दिया है फोर्थ में, तो आपका आंसर होगा फोर्थ। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है, और यही स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा हूँ ये आपको एग्जाम में फॉलो करना है यदि आप IBPS PO या किसी भी बैंकिंग एग्जाम में निकलना चाहते हैं, ठीक है। और यदि आप थ्योरेटिकल अप्रोच अपनाएंगे, पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे उसको समझेंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा, एक 8 या 10 नंबर, 6-7 नंबर, 4-5 नंबर इस तरीके से आपके आ पाएंगे और सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहां से, देखिए पहले तो मैं सेंटेंस को पूरे को सॉल्व करके आपको बताऊंगा 4 या 5 सेकेंड में, उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन करके भी आपको बताऊंगा। देखिए व्हाइल द वर्ड्स इंडिस्पेंसिबल नेशन मे नॉट गो बैक टू द डेज ऑफ इंटरवॉर आइसोलेशन, देयर इज द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी इन द US टूडे। अब देखिए यहां पर एक कीवर्ड आया है टूडे, इसका मतलब ये सेंटेंस जो है ये पास्ट या पास्ट में नहीं जा सकता, या हैज बीन के साथ इस सेंटेंस को नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर टूडे एक कीवर्ड मैंने देख लिया। तो यहां पर मैं बोलूंगा देयर इज अ बोलूंगा यहां पर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी एक नाउन है, स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, और टेंडेंसी काउंटेबल है, तो इसलिए यहां पर मैं ए लगाऊंगा, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी। इसका आंसर होगा थर्ड, यदि थर्ड इसका ऑप्शन सही है, थर्ड दिया है फर्स्ट में, तो इसलिए फर्स्ट इसका आंसर होगा। देखिए मैंने किस तरीके से 4 या 5 सेकंड में इसका आंसर निकाला, और ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये रियल बैंकिंग एग्जाम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और मैं इन क्वेश्चंस को आपको उस तरीके से करके बता रहा हूं जिस तरीके से रैंकर्स क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को आपको अपनाना है, पूरे सेंटेंस को पढ़ना जरूरी नहीं है, एक बेसिक आइडिया सेंटेंस का होना चाहिए, कहां पर किस सेंस में बात हो रही है, और जो मेन पार्ट जो रिप्लेस करना है उस पार्ट को आपको देखना है कि वहां पर क्या गलती है। पूरा सेंटेंस आपको तभी देखना है जब उसका रेफरेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं पर्संस विद डिसेबिलिटी मस्ट बी सीन एज इंटीग्रल टू द डिसीजन मेकिंग। यहां पर हम कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि डिसेबल जो पर्सन हैं, जो हैंडीकैप्ड पर्सन है, किसी का हाथ खराब है, किसी का पैर खराब है, किसी की कोई ब्लाइंड है, जो पर्सन हैं जिनके साथ डिसेबिलिटी है, ठीक है, मस्ट बी सीन एज इंटीग्रल टू द डिसीजन मेकिंग। उन लोगों को हमको डिसीजन मेकिंग का, हमारे देश का जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट है उसका हिस्सा हमको समझना पड़ेगा। हम उनको ये नहीं समझ सकते कि वो कोई सेकेंडरी चीज़ है या कोई आफ्टर थॉट है, ठीक है। तो ऐसे उनको देखा जाना चाहिए, पर्संस विद डिसेबिलिटी मस्ट बी सीन एज, उनको ऐसे देखा जाना चाहिए, मस्ट बी सीन एज ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है, ऐसे देखा जाना चाहिए मतलब जो पब्लिक है उनको ऐसे देखे कि उसको एक इंटीग्रल पार्ट माने वो डिसीजन मेकिंग का। तो मस्ट बी सीन एज जो है ये बिल्कुल सही यहां पर कंस्ट्रक्शन है। मे बी हम नहीं बोल सकते क्योंकि मे बी का मतलब होगा कि हो सकता है हम उनको ऐसे देखें, ठीक है। एक्चुअली ये जो सेंस क्रिएट होता है ये होता है रीडिंग से, इसलिए मैं और सारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि हिंदू की रीडिंग करिए, क्योंकि रीडिंग से एक सेंस क्रिएट होता है इंग्लिश को समझने का। तो ये सेंस मैंने कैसे बताया कि मे बी यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकता, माइट बी यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि मे बी माइट बी का मतलब होगा कि हो सकता है हम उन्हें ऐसे देखें, लेकिन सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रहा है कि उनको ऐसे देखा जाना चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति है उनको नफरत की नज़र से या नीची नज़र से ना देखते हुए उनको एक डिसीजन मेकिंग के पाथ की तरह उनको देखा जाना चाहिए, ठीक है। तो मस्ट बी सीन, और चूंकि बी लगा है, मस्ट बी, शुड बी, वुड बी, इनके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वर्ब यहाँ पर सही है। एज यहाँ पर इसलिए सही है क्योंकि इस रूप में उनको देखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ये अपने आप में सही है, और यहाँ पर आपका आंसर होगा 5, यानी नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को किया जाता है। देखिए अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा पार्ट पढ़ूंगा और इसका आंसर मैं आपके सामने निकाल के रखूंगा। देखिए इफ ग्रोथ इंडस्ट्रीज आर टू व्यू अप तमिलनाडु एज द इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस देन ए प्रोफाउंड शेकअप इन गवर्नमेंट फिलोसफी मे बी नीडेड। देखिए यदि इस सेंटेंस का मतलब यह है कि यदि ग्रोथ इंडस्ट्रीज जो हैं, इफ ग्रोथ इंडस्ट्रीज
यदि तमिलनाडु को एक एक बड़े इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में देख रही हैं, तो गवर्नमेंट को एक फिलोसफिकल, एक गवर्नेंस फिलोसफिकल चेंज की जरूरत हो सकती है, ये सेंटेंस का मतलब है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, यदि मैं आर टू लगाऊंगा तो इसका मतलब होगा कि आर टू का एक्चुअली मतलब होता है कि मैं किसी चीज को प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 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 दे आर टू कम टुमारो, मतलब उनको कल आना है। ये जो आर टू का जो स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली प्री प्लान्ड थिंग्स के लिए आता है। तो प्री प्लान्ड थिंग्स की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं कि इफ़ ग्रोथ इंडस्ट्रीज आर, या तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इफ ग्रोथ इंडस्ट्रीज व्यू तमिलनाडु एज द इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस, देन अ प्रोफाउंड शेक अप इन गवर्नमेंट फिलोसफी मे बी नीडेड। या तो ऐसे हो सकता है, या इसको आप कंटिन्यूस टेंस में बोल सकते हैं, जैसे ये वाला पार्ट सही है, इफ ए ग्रोथ इंडस्ट्रीज आर व्यूइंग तमिलनाडु, व्यूइंग अप इसलिए नहीं आएगा क्योंकि व्यूइंग अप सेंसलेस है, उसको देखती हैं, तो उसके लिए व्यूइंग यहां पर सही है। इफ ग्रोथ इंडस्ट्रीज आर व्यूइंग तमिलनाडु एज द इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस, देन ए प्रोफाउंड शेकअप इन गवर्नमेंट फिलोसफी मे बी नीडेड। ठीक है, तो यहां पर सेकेंड आपका सही होगा। यहां पर देखिए, इंडस्ट्रीज आर टू व्यू, मैंने बताया है कि आर टू जो आता है वो प्री प्लांट थिंग्स के लिए आता है, और हैप का मतलब है कि देख चुकी हैं का यहां पर कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिसको हम बोलते हैं कि एक नेचुरल सेंस होता है एक लैंग्वेज का। जैसे आपको मैंने बताया यहां पर कि इसमें हैव नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है मैं इस चीज को जस्टिफाई ना कर पाऊं या अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाऊं कि हैव क्यों नहीं आया, लेकिन मेरे अंदर एक सेंस है, एक सेंस इस सेंटेंस को पढ़ने से क्रिएट हो रहा है कि हैव यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि हैव का मतलब होगा कि वो ऐसा कर चुके हैं, ग्रोथ इंडस्ट्री तमिलनाडु को देख चुकी है। क्या सेंस निकला इसका कि ग्रोथ इंडस्ट्री तमिलनाडु को देख चुकी है? सेंस तब निकलेगा जब हम बोलेंगे कि यदि ग्रोथ इंडस्ट्री तमिलनाडु को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन देखती हैं या देख रही हैं, देखती हैं भी सही होगा, देखती हैं या देख रही हैं, तो एक गवर्नेंस फिलोसफी की जरूरत हो सकती है। तो इसलिए यहां पर आपका सेकेंड जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। थर्ड यहां पर सेकेंड जो ऑप्शन है वो थर्ड में दिया है, तो थर्ड यहां पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये भी काफी लंबा सेंटेंस है। ठीक है, पूरे सेंटेंस को हम नहीं पढ़ेंगे, केवल इसका सेंस हम निकालेंगे। देखिए, बाय द एंड ऑफ द सिविल वॉर द साउथ वॉज इन स्टेट ऑफ पॉलिटिकल अपहीबल। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सिविल वॉर के खत्म होने तक साउथ जो था वो स्टेट ऑफ पॉलिटिकल अपहीवल में था। अपहीवल का मतलब है कि जो साउथ था उसमें पॉलिटिकल उथल पुथल हो रही थी, ये इस पूरी एक लाइन का मतलब है। और इस यहां पर हम पास्ट टेंस में इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। द यूनियन टैक्टिक्स ऑफ टोटल वॉर डिस्ट्रॉयड सदर्न क्रॉप्स प्लांटेशन एंड एंटायर सिटी। मतलब यूनियन की टैक्टिक्स ने ये सारे काम किए। क्या क्या काम किए कि सदर्न क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया, प्लांटेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, एंटायर सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसके बाद जो इमेंसिपेटेड स्लेव्स थे, मतलब जो गुलाम थे, ठीक है, दे रश टू यूनियन लाइंस, वो वहां से भागे। तो स्लेव्स रश्ड टू, ये जो फ्रेज है ये सही है। रश्ड का मतलब होता है वहां से भागे, ये पास्ट टेंस है क्योंकि सेंटेंस भी पास्ट टेंस में है, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका सही है और इसमें आंसर होगा आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ये देखिए इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको करना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पावरफुल लीडर्स हैव ऑलवेज मैटर्ड इन द फर्मामेंट ऑफ द्रविड़ियन पॉलिटिक्स अलोंग द अर्ली फेजेस ऑफ द मूवमेंट दैट अनसीटेड द कांग्रेस पार्टी। देखिए इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो दो टेंस इसमें यूज हो रहे हैं, एक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक है पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस को हम ज्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, हम सिंस के साथ जोड़ देते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं कि आई हैवंट मैट हिम सिंस ही लेफ्ट द कंपनी, आई हैवंट मैट हिम, मैं उससे नहीं मिला हूं सिंस, कब से, सिंस ही लेफ्ट द कंपनी। तो इसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को और पास्ट सिंपल टेंस को सिंस के साथ जोड़ दिया है।
सिंस के बाद वाला जो सेंटेंस है, इधर जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट सिंपल में आता है, और सिंस के पहले वाला जो सेंटेंस जो इधर आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो इस सेंटेंस में सिंपल सा आंसर होगा थर्ड, यानी सिंस द अर्ली, और थर्ड किस में दिया है, थर्ड दिया है थर्ड में, तो आंसर होगा थर्ड। ये है राइट मेथड इन क्वेश्चंस को करने का, लेकिन स्टूडेंट इसका उल्टा करता है। स्टूडेंट पूरे सेंटेंस को पढ़ता है, स्टूडेंट पूरे सेंटेंस की मीनिंग निकालता है, स्टूडेंट रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं करता है। मैं बार बार बोलता हूं कि रीडिंग हैबिट आप डेवलप करिए, यदि बैंकिंग एग्जाम में निकलना है कुछ भी पढ़िए। ये जरूरी नहीं है कि आप हिंदू पढ़ें, कोई भी मैगजीन पढ़ें, कोई भी नॉवल पढ़ें, हिंदू पढ़ें, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, लेकिन रीडिंग हैबिट डेवलप होनी चाहिए। और रीडिंग हैबिट से आपके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को समझने का एक सेंस क्रिएट होगा, और सेंस के थ्रू इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम में। आगे देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, काफी लंबा सेंटेंस है, लेकिन इसको देखिए 4 सेकंड में मैं करके बताता हूं आपको। व्हाइल इट इज इजी टू लाफ ऑफ और फ्लैटली डिसमिस यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स अन अमेरिकन पॉलिसीज क्लोज लुक अपॉन द लार्ज कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज एक्शंस आर्टिकुलेशंस एंड देयर पोटेंशियल इंप्लीकेशन। देखिए इसमें हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम व्हाइल का मतलब होता है जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। तो इसमें हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ये हालांकि बहुत आसान है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के ऊपर उसको लाफ ऑफ करना, उसके ऊपर हंसना, या उसको हंसी उड़ा देना, ठीक है, या उसको इसको आसानी से फ्लैटली डिसमिस कर देना बहुत आसान है। लेकिन यदि आप थोड़ा नज़दीक से उस पर नज़र डालें, ठीक है, मतलब यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। पहले सेंटेंस में हम बोल रहे हैं कि उसको डिसमिस करना बहुत आसान है। डिसमिस हम इसलिए कर सकते हैं उसको क्योंकि हमने उस पर थोड़ा अच्छा क्लोजर लुक नहीं डाला है। तो पहले हम एक लुक डालते हैं, क्लोज लुक डालते हैं, लेकिन यहां पर सेंटेंस बोल रहा है कि यदि हम और थोड़ा सा नजदीक से उसको देखें, किसको, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को, ठीक है, तो वो पॉलिसीज हमें इफेक्टिव लग सकती हैं। तो यहां पर हम चूंकि लुक जो है वो काउंटेबल है, तो यहां पर हम बोल देंगे ए क्लोजर लुक, एट भी आएगा इसमें, अपॉन नहीं आएगा, लुक के साथ हम एट लगाते हैं, लुक आ जाएगा। और क्लोजर इसलिए क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं हम कि यदि हम क्लोज लुक डालें, यदि हम सुपरफिशियली उस चीज को देखें तो हम उसको लाफ ऑफ कर सकते हैं, लेकिन यदि और ध्यान से देखें, यदि क्लोजर लुक उस पर डालें तो वो चीज हमें समझ में आ सकती है। तो लुक जो है काउंटेबल, इसलिए ए आ जाएगा यहां पर। क्लोजर इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं, लुक के बाद एट आता है, अपॉन नहीं आता है। तो सेकेंड जो है ये सही आंसर इसमें होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन केवल इसमें आएगा, ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत हैं इसमें। क्लोजेस्ट लुक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्लोजेस्ट लुक तो क्योंकि यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए क्लोजेस्ट और क्लोज नहीं आएगा यहां पर। यहां पर सेकंड वाला सही है, और सेकंड दिया है सेकंड में, तो इसलिए आपका आंसर होगा सेकंड। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। द यूनियन कैबिनेट डिसीजन टू टेक द ऑर्डिनेंस रूट फॉर इनेक्टिंग अ डाइल्यूट। देखिए यहां पर जो वर्जन है, वर्जन क्या है, नाउन है, नाउन को हम क्वालिफाई करेंगे एडजेक्टिव से, ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे डाइल्यूटेड वर्जन हम बोलेंगे, क्योंकि यहां पर हम वर्जन जो है उसकी स्टेट बता रहे हैं कि वो वर्जन कैसा है, वो डाइल्यूटेड वर्जन है। तो डाइल्यूटेड जो होगा ये, इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो किसी चीज की स्टेट बताता है कि उस चीज की दशा कैसी है। तो वर्जन जो है, वर्जन किस तरीके का वर्जन है, डाइल्यूटेड वर्जन है, तो यहां पर डाइल्यूटिंग नहीं आएगा। और चूंकि यहां पर हम पर्पस की बात कर रहे हैं, द यूनियन कैबिनेट डिसीजन टू टेक द ऑर्डिनेंस रूट, आपको पता होगा कि अभी ट्रिपल तलाक पे कानून आया है और गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाल के इसको एक लॉ बना दिया है, तो उस चीज की इसमें बात हो रही है। द यूनियन कैबिनेट डिसीजन टू टेक द ऑर्डिनेंस रूट टू इनेक्ट अ डाइल्यूटेड वर्जन, क्योंकि यहां पर हम पर्पस की बात कर रहे हैं, तो पर्पस के लिए हम टू ही लगा सकते हैं, टू इनेक्ट, ठीक है, वर्जन जो है काउंटेबल है तो ए भी लगाना पड़ेगा, वर्जन कैसा है, डाइल्यूटेड है, ठीक है, तो इसलिए इसमें सेकंड जो है ये सही आंसर है। बाकी इन हम नहीं लगाएंगे, इन के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन इन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि पर्पस की हम बात कर रहे हैं, पर्पस के लिए हम 2+V1 लगाते हैं, ठीक है। वर्जन से पहले हमने डाइल्यूटेड इसलिए लगाया क्योंकि डाइल्यूटेड एक एडजेक्टिव है। तो ये है इंग्लिश की समझ, सेकंड इसमें सही होगा और फर्स्ट इसमें आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सेकंड जो ऑप्शन है वो फर्स्ट में दिया है, ठीक है, इसलिए फर्स्ट यहां पर आपका सही आंसर होगा।
तो इस तरीके से आंसर को सही तरीके से आपको टिक मार करना है कि कौन सा ऑप्शन कहां पर दिया है। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन तो सही कर दिया लेकिन टिक मार्क उसको गलत कर दिया। तो यहां पर भी थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना है और सही ऑप्शंस लगाना है आपको। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, सिंपल रीडिंग ऑफ द आधार एक्ट। आधार एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, आधार एक्ट 2016, ठीक है, उसी के अंतर्गत ये आधार सारे बनाए जा रहे हैं। सिंपल रीडिंग ऑफ द आधार एक्ट वुड शो अस दैट इट्स कॉन्टेंट्स गो फार बियॉन्ड द फीचर्स इन्यूमरेटेड इन आर्टिकल 110। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि यदि आप आधार एक्ट को पढ़ें, सिंपल रीडिंग ऑफ द आधार एक्ट वुड शो अस, मतलब आधार एक्ट की जो सिंपल रीडिंग है वो आपको दिखा देगी, वुड शो अस दैट इट्स कॉन्टेंट गो फार बियॉन्ड द फीचर्स इन्यूमरेटेड इन आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में आधार के जो फीचर्स इन्यूमिरेटेड हैं, मतलब वहां पर नंबरिंग की गई है इनके, इसके फीचर्स की, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा आधार में फीचर्स हैं। सिंपल रीडिंग ऑफ द आधार एक्ट वुड शो अस दैट इट्स कॉन्टेंट्स गो फार बियॉन्ड द फीचर्स। हाँ, मतलब जो फीचर्स बताए गए वो कम है लेकिन इसमें जो फीचर्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। फीचर्स इन्यूमिरेटेड, ठीक है, यहां पर ये भी फिर एक पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। फीचर ऐसे फीचर जिनको इन्यूमिरेट किया गया है, जिनकी नंबरिंग की गई है। कहां पर की गई है नंबरिंग? आर्टिकल 110 में। तो फीचर्स इन्यूमिरेटेड इन आर्टिकल 110। तो ये सेंटेंस सही है और इसका जो आंसर होगा, इसमें रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है और इसका आंसर होगा आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो फ्रेज रिप्लेसमेंट का आपको पार्ट ये समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का फ्रेज रिप्लेसमेंट आपके एग्जाम में आता है, आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और इस स्ट्रेटजी को यदि आप फॉलो करते हैं तो 10 में से 10 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आरसी के लिए और स्पॉटिंग एरर के लिए, तो हालांकि इस कोर्स में काफ़ी सारे वीडियो क्लासेस हैं और क्लोज टेस्ट पैराजम्बल के भी काफ़ी वीडियो क्लासेस हैं, उनको आप देख सकते हैं और नए वीडियो क्लासेस में जल्दी से अपलोड करूँगा इस वीडियो कोर्स में। कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं तो इन ईमेल आईडी पर और मेरे कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर जरूर फीडबैक दें और अपनी ओपिनियन बताएं कि इससे कितना फ़ायदा आपको हुआ। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।